हेलो एवरीवन, मैसेल्फ नजरे आलम, यू वाचिंग कबीर स्टडी। जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का जो टॉपिक है ये चल रहा है, इस पे जो एमसीक्यू जाते हैं इस पे एक वीडियो आ चुका है। ये मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट टू है। इसमें जो एमसीक्यूज बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, कोई अदर रेलवे का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें एनएल पॉलिटी सवाल बनते ही बनते हैं। और जो मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये इसका पार्ट टू है, इससे पहले पार्ट एक आ चुका है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यूज़। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है, और आप आसानी से देख सकें। और मेरा एक फेसबुक पेज है कबीर स्टडी के नाम से, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको हर दिन ऐसे क्वेश्चंस के रूप में आपको पोस्ट मिलेंगे, आप वहां पर अपने को खुद को जांच कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो कितना पुख्ता हुई है कितना नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की एमसीक्यूज़। तो आज का पहला एमसीक्यूज़ ये है कि मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री और या ऑप्शन डी संसदीय सचिव, ठीक है, यानी कि संसदीय सचिव। आपको ये बताना है कि इन चारों में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कौन शामिल नहीं रहता है। अगर कल आप लोगों ने जो वीडियो आया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इससे जो पहला वाला पार्ट आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, आप उसे पहले देखें, तब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिव यानी कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी, यानी कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी यानी कि संसदीय सचिव जो है इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी ये तीन शामिल होते हैं, कौन कौन, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, ठीक, राज्य मंत्री भी शामिल होता है और उप मंत्री भी शामिल होता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनके पास जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होती है, जो सरकार के पास जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है ये इनके पास होती है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्री और मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। और ये जो मंत्रालय है इसके जो मंत्री होते हैं वो पीएम के काफ़ी करीबी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री, तो जो राज्य मंत्री होते हैं यह स्वतंत्र प्रभार मंत्री बोला जाता है इनको, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं किनको, कैबिनेट मंत्रियों की, ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों को ये सपोर्ट करते हैं। आप इसे बोल सकते हैं कि ये सहयोगी बनाए जाते हैं, सहयोगी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उप मंत्री का, तो उप मंत्री भी सहयोगी बनाए जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के सहयोगी बनाए जाते हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो ये तीन टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से निम्नलिखित में से मंत्रियों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मंत्री किसमें होते हैं, उसके बाद किसमें होते हैं, उसके बाद किसमें होते हैं, यही जो वरीयता वो देनी है आप लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं कि तीन टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और कौन, उप मंत्री। तो इनका जो वरीयता है, क्रम है, वह सही बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए है कि पहले आते हैं
कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री, फिर आते हैं उप मंत्री। ऑप्शन बी, ये पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर आते उप मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री। ऑप्शन सी, ये पहले आते हैं राज्य मंत्री या पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री या उसके बाद आते हैं उप मंत्री। ऑप्शन डी है, या सबसे पहले राज्य मंत्री आता है या उसके बाद उप मंत्री आता है या उसके बाद कैबिनेट मंत्री आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये इसका सही क्रम है। कैबिनेट मंत्रियों के पास काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, इनको सपोर्ट करता है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री को सपोर्ट करते हैं कौन, सहयोगी होते हैं कौन, उप मंत्री। तो ये दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी पीएम जी के करीबी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं। और मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंट क्या है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आगे देखते हैं। थर्ड सवाल यह है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आप गलती कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्टर काउंसिल व्यक्तिगत पर्सनल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या ऑप्शन डी संसद या पार्लियामेंट के प्रति। कल हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, सामूहिक। अगर सवाल ये बने कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता सामूहिक रूप से। लेकिन सवाल यह पूछा है कि मंत्रिपरिषद या काउंसिल या मिनिस्टर किसके व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? अब सवाल ये उठता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? ये कई जगह आ गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी होना होता है, इन दोनों में अंदर क्या है? तो पहले देखते हैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब क्या होता है। तो एक आर्टिकल 75, आर्टिकल अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, पहली बात। तो इसका अर्थ ये है कि जो सभी मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री होते हैं, उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, ठीक है, लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए 10 मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद में 10 मंत्री हैं, तो ये सारे 10 मंत्री अगर डिसीजन लेते हैं तो ये एक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, संयुक्त रूप से जिम्मेदारी इनकी होती है कि ये गलत फैसले ना लें, सही फैसले लें। अगर गलत फैसले लेते हैं तो ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं कि आपने गलत फैसले लिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति ये संयुक्त जिम्मेदारी होगी। लोकसभा के प्रति क्या होगी? संयुक्त जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और क्या होता है कि वह और एक ही दल की तरह कार्य करेंगे। और मान लीजिए 10 मंत्री हैं, ठीक, मंत्रिपरिषद में 10 मंत्री हैं, ठीक, और ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी हैं, और कोई भी लॉ या कोई भी कानून पास करते हैं तो ये सामूहिक रूप से करते हैं। तो ये एक इनका एक दल होता है, इनका यह दल होता है और एक दल में रह के ये लोग काम करते हैं, एक ग्रुप बना के ये लोग अपना कार्य करते हैं और समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये नहीं कि जो मंत्री ए है, बी है और सी है, जो मंत्री ए है कुछ और कह रहा है, जो मंत्री बी है कुछ और कह रहा है, और मंत्री सी कुछ और कह रहा है, नहीं। अगर ए ने कुछ गलत काम किया है तो इससे बी भी प्रभावित होगा और सी भी प्रभावित होगा, क्योंकि एक दल इनका है। तो तीनों को सामूहिक रूप से जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हम ये डिसीजन सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ से आप लोगों का, ठीक। और जब कभी भी एक और बात आता है एग्ज़ाम में, आप लोग इसे याद कर लीजिए कि मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को,
कि जब कभी भी बात आती है सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की, जब कभी भी लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति जब कभी भी लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति या विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है, एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि जो राज्य मंत्री ये भी शामिल होते हैं और जो लोकसभा मंत्री ये भी शामिल होते हैं, मंत्रियों भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी क्या होता है, जब भी लोकसभा, जो लोकसभा है वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो सारे मंत्री, चाहे वह राज्यसभा के मंत्री हों या लोकसभा के मंत्री हों, सारे मंत्री को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि सामूहिक रूप से क्या हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन आपके पास ए है, प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। सवाल ये पूछा है कि संघीय मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय पूछा है। ठीक है, पूछा संघीय, तो अगर संघीय पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, लोकसभा के प्रति। सामूहिक पूछे या संघीय पूछे तो आप उसे बोल सकेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद के वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और तीन टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके होते हैं, लोकसभा के प्रति। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद की विवेचित करता है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद की उल्लेखित या उल्लेख करता है, इसमें कौन सा प्रावधान है, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद डी 75। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रावधान दिया गया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 74, अनुच्छेद आर्टिकल 74 या 74 पढ़ा, तो उसमें ये दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता परामर्श देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, लेकिन इसका ऑप्शन 75 अनुच्छेद सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नियुक्ति है और पद के बारे में दिया गया है। तो जो 75 आर्टिकल है इसमें यह दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा आपका प्रेसिडेंट। क्लियर, तथा जो और जो मंत्री होते हैं, और जो मंत्री होते हैं उनका भी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। सिंपल सी बात है कि 75 आर्टिकल में ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य जो मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, तथा जो अन्य मंत्री हैं वह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्री बन सकते हैं, या प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति उनको मंत्री पद की जो शपथ है या नियुक्ति है दे सकता है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। आगे देखते हैं, सातवां सवाल ये दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करता है। ये काफ़ी आसान हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है कि 74 क्या, 75 क्या है। 74 में दिया गया है, अभी हमने देखा 74 आर्टिकल में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता परामर्श और सलाह देने के लिए क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। क्लियर, 75 में क्या दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और जो अन्य मंत्री हैं उनके भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सलाह पे किसके, प्रधानमंत्री के सलाह पे। और इसके बारे में और भी प्रावधान दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इन किन विषयों पर विचार करता है, तो इसका ऑप्शन है आपका मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा के मेंबर, सी भारत के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के मेंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद।
मंत्री परिषद, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख करता है। आगे देखते हैं, सेवंथ सवाल ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर मेंबर लिए जाते हैं, यानी कि जो भारत में जो मंत्रिपरिषद भाग है इसमें अधिकतर मेंबर कहाँ से लिए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास ए है लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी नौकरशाही से, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से एक ऑप्शन क्या सही होगा, बस ध्यान दीजिए सवाल को क्या पूछा है कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, मेंबर होते हैं, अधिकतर किस सदन से लिए जाते हैं। तो अधिकतर लिए जाते हैं आपका लोकसभा। लोकसभा से क्यों? क्योंकि लोकसभा में इनका बहुमत होता है, इसलिए यहाँ से जो मेंबर लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद में ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि लोकसभा में टोटल सीट होती है 550, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसे यहाँ पर सीटें पाई जाती हैं, और यहाँ बहुमत भी, और यहाँ पर बहुमत भी होता है गवर्नमेंट का, तो यहाँ से जो मेंबर्स हैं अधिकतर लिए जाते हैं किसके लिए, मंत्रिपरिषद के लिए, और इससे कम लिए जाते हैं राज्यसभा से, इससे कम लिए जाते हैं राज्यसभा से। अब ये सवाल यहाँ पर आता है, ठीक, सवाल अगर ये बने, ये बताइए आप लोग कि लोकसभा के जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं 550, ठीक, मैक्सिमम होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो 545 ही हैं, ठीक, फिलहाल प्रेजेंट टाइम अधिकतर तो 550 होता है लेकिन फिलहाल 545 ही हैं। तो सवाल ये बने कि मंत्रिपरिषद में कितने परसेंट मेंबर लोकसभा के मंत्रिपरिषद के मेंबर बन सकते हैं। सिंपल सवाल ये सुनिए कि कितने लोकसभा के कितने परसेंट मेंबर मंत्रिपरिषद के मेंबर बन सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा 15%, इसका आंसर हो जाएगा 15%, यानी कि आप 545 का निकाल लीजिए 15%, लोकसभा की सीटें 545 हैं, इसका निकाल लेंगे 15%, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 20, 5 × 2 = 20, 5 × 0 = 9, ठीक, उसके बाद आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए 4 × 2 = 8, आप इसे हल करेंगे तो आपके पास 60 से 70 करीब जो मेंबर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे मंत्रिपरिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा 15% मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के किस में जाते हैं, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते हैं। ये सवाल आता है, और पहले ऐसा नहीं था 2003 से पहले ऐसा नहीं था। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये संशोधन करके जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% लोकसभा के जो मेंबर हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे, इसको ऐड किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आज का 8वां सवाल ये है कि स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ऑप्शन आपके पास ये है 1954, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1975। तो सवाल ये पूछा है अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था पहली बार, तो ये लाया गया था 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सारे मंत्री, चाहे वो राज्यसभा के मंत्री हों या लोकसभा के मंत्री हों, सभी को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा के मंत्री हों चाहे लोकसभा के मंत्री हों। अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सबको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, तो आज का 9वां सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में मंत्रिपरिषद विघटन नहीं हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, SSC के एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिमंडल विघटन नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है किसी मंत्री के त्यागपत्र से, ऑप्शन बी है
प्रधानमंत्री की मृत्यु से, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के त्याग पद त्याग से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल ये पूछा है कि कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में मंत्रिपरिषद विघटन नहीं हो सकता है, यानी कि मंत्रिपरिषद विघटन नहीं हो सकता, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विघटन नहीं हो सकता, अबोलिस्ट नहीं हो सकता, सवाल ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, किसी मंत्री के त्याग पत्र से। काफ़ी आसान है, क्या होता है ना कि जो लोकसभा है इसका विघटन हो जाता है, ठीक, और लोकसभा के अधिकतर जो मंत्री होते हैं ये कहाँ जाते हैं, मंत्रिपरिषद में जाते हैं। ठीक, तो सवाल ये पूछा है कि मंत्रिपरिषद कब विघटन नहीं हो सकता, कब अबोलिस्ट खत्म नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है किसी मंत्री के त्याग पत्र से। यानी कि मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में करीब 60 मेंबर या 60 मंत्री हैं, ठीक, और इसमें से एक मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, तो यह जो मंत्रिपरिषद है इसका विघटन नहीं हो सकता, जो 59 मंत्री हैं ये अपना काम करेंगे ही करेंगे, एक सीट वैकेंट हो गया तो नया मंत्री आ जाएगा, लेकिन इसका विघटन नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, या लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आता है, तो तीन कंडीशंस में मंत्रिपरिषद अबोलिस्ट खत्म यानी कि विघटन हो सकता है। क्लियर, आगे देखते हैं। और आज के आखिरी सवाल ये है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। काफ़ी आसान हो गया, अभी मैंने डिटेल से बताया इसके बारे में कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%, ऑप्शन बी लोकसभा के कुल सदस्य मेंबर्स का संख्या का 15%, ऑप्शन सी संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, या ऑप्शन डी कोई प्रतिबंधित सीमा नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। और इसको ऐड किया गया है संविधान में, 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, पहले ऐसा नहीं था, 2003 से पहले ऐसा नहीं था, 91वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें ये ऐड किया गया कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्रिपरिषद है इसमें जो मेंबर या मंत्री जाएंगे वह होंगे लोकसभा के कुल मेंबर संख्या का 15%। मान लीजिए कि टोटल 545 मेंबर है लोकसभा में, इसका 15% निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा उतने आपके, उससे ज़्यादा दो तीन ज़्यादा या उससे दो तीन कम आपके मेंबर्स हो सकते हैं, किसमें, मंत्रिपरिषद में। तो इसको कब ऐड किया गया था, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में इसको ऐड किया गया है। क्लियर, तो ये रहे आपके 10 सवाल, ये 10 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो डिटेल से बताए गए हैं आप वहाँ से भी सवालों को लिख सकते हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।